हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। माय नेम इज नीरज चौहान एंड एक और कोर्स ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ ए टू जेड ऑनलाइन सॉल्यूशन पर, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या है, क्यों सीखते हैं, क्यों जरूरी है और किन लोगों के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी है। तो सी लैंग्वेज क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। एंड इसको सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज ये है हमारा कि हम लोग अगर सी लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो फिर हम इसके आगे की जो एडवांस लैंग्वेजेस होती है उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, राइट। हमें उनको यूज़ करने में कोई ट्रबल नहीं होती है। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। किन के लिए ज़रूरी है? सो द पीपल और द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हु वॉन्ट्स टू नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जो IT डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो इसको सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सी लैंग्वेज को बनाया किसने था। तो सी लैंग्वेज को जो बनाया था वो था डेनिस रिची जी ने बनाया था, और ये 1972 में USA में बेल लेबोरेटरीज में बनाई गई थी। क्यों बनाया था? जो डेनिस रिची जी थे वो बनाना चाह रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको बनाने के लिए उनको जरूरत हुई कुछ ऐसा कोड लिखने की, तो उन्होंने तब इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो 1972 में डेनिस रिची जी ने इस लैंग्वेज को बनाया था, राइट। और ये एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, आप इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हो और लो लेवल लैंग्वेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हम इसको सीखने के बाद बाकी आगे की जो एडवांस लैंग्वेजेस होती है उनको हम इजीली सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं इस लैंग्वेज को कहता हूँ मिडिल लेवल लैंग्वेज, राइट। नाउ व्हाई वी लर्न सी, क्यों हम लोग सी को यूज करते हैं? यस, द सेकंड पॉइंट इज व्हाई वी लर्न सी लैंग्वेज, राइट। क्यों जरूरी है सी लैंग्वेज सीखना और क्यों इसकी जरूरत होती है लैंग्वेज को सीखने? तो बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज लाइक मिडिल लेवल लैंग्वेज, सो अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो जो इसके आगे आने वाली लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ हो गई, C# हो गई, PHP और आपकी Python, Java, तो जो इस तरह की हायर लेवल लैंग्वेज होती है इन लैंग्वेजेस को आप इजीली सीख सकते हो, क्योंकि इसमें इन सभी लैंग्वेजेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजीली समझ में आ जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उन लैंग्वेजेस में उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख सकते, वहाँ पर भी सीख सकते हो, बट अगर आप इस लैंग्वेज को इजीली सीख पाओगे तो उन लैंग्वेजेस में आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सीखने में। हम लोगों के लिए एक बेस होता है ये, बाकी हायर लेवल लैंग्वेजेस को सीखने का ये एक हमारा बेस होता है, राइट। दिस इज़ वेरी फास्ट, अगर आप इसका कंपेरिजन करें कि इसकी जो स्पीड है वो हायर लेवल लैंग्वेजेस से कैसी है, तो पाइथन से, जावा से और इन सभी लैंग्वेजेस से सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, राइट। इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रियली बहुत फास्ट होते हैं। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा सी एंड देन उसके बाद होती है सी प्लस प्लस, तो जो दोनों लैंग्वेजेस होती हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो द सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, राइट। तो जो सी प्लस होती है वो हमारी सी का ही एक एक्सटेंसिव वर्जन है, मतलब पहले सी आई और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस किए गए, कुछ उसको अच्छे से एडवांस किया गया और फिर हमारी आई है सी प्लस। तो दैट मीन्स की यू कैन से कि सी प्लस इज द एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। सी लैंग्वेज जो होती है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, एंड जो सी प्लस होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो ये ओप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, इसमें हमारे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और वर्चुअल क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज में। और सी में हमारा एक प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। तो सी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो सबसे पहले आपको एक एडिटर चाहिए जहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे, और दूसरा आपको चाहिए कंपाइलर जिससे आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अब ये क्या होता है कंपाइलर, क्यों यूज़ करते हैं कंपाइलर को और क्या ज़रूरत होती है कंपाइलर यूज़ करने की, तो इसके बारे में अब हम सीखेंगे अगली वीडियो में।